पूरे अमृतसर के जीवन को रूप सा दिया। हिस्ट्री पंजाब की जानने के लिए बहुत अच्छी जगह है और इनका बच्चा खो गया है। अभी हम आपको है ना यहाँ पे गोलियों के निशान दिखाते हैं। ये वाला रास्ता बंद कर दिया था जनरल डायर ने। और कॉलोनियां तो चाहे अमृतसर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे दिल्ली की हो। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग ऑफ डीसेंट विलेज व्लॉग। सो गाइस, आज हमारे डे 2 अमृतसर में और ये रात में आओ। गुड मॉर्निंग अबू। दरबार साहिब से आए थे तो सो गया था, ये तो मैंने उसका नहीं उतारा था। हाँ जी, और पजामा अबू ने फाड़ दिया है ना, वहाँ इतनी टांग फैला फैला के खेल रहे थे, आपके पजामा ही फाड़ दिया आपने। यहाँ हमारे सरकार अभी तक सो रहे हैं। सरकार गुड मॉर्निंग, उठ जाओ भाई, उठो। गुड मॉर्निंग गाइस। अंगड़ाई नहीं टूट रही है भाई, इतनी नींद आ रही है यार, बहुत अच्छी नींद आई मेरे को। और एसी की जरूरत नहीं पड़ी यार, पता है ठंडक थी। हाँ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? आप ये बैटरीज कहाँ से लाए हो? टीवी रिमोट की बैटरीज निकाली है ना? हेलो भाई साहब, वाकई में यार आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो यार। थैंक यू गाइस, कमेंट करके बता देना मैं कैसा लग रहा हूँ आज। और तिशान जी गुड मॉर्निंग। ये तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं जलियांवाला बाग के लिए। पूरी फैमिली पीछे बैठी है, मैं यूजुअल आगे बैठा हूँ। ये तो अभी बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। जलियांवाला बाग के बारे में आपको बताएंगे हम। बहुत सारी चीजें हैं यार अमृतसर में घूमने के लिए। आप क्यों घर पे बैठे हो, वीकेंड हो, 2-3 दिन की छुट्टी हो, दिल्ली से आप सीधा यहाँ जाओ, 475 किलोमीटर है बस। तो और अभी फिलहाल हम चल रहे हैं यहाँ से जलियांवाला बाग, जो कि हमारे होटल से मात्र 10 मिनट की दूरी पे है। और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए, तो कुछ जानकारी भी आपको मिलने वाली है, तो बीच में स्किप मत करना। फिलहाल तो हम चलते हैं और ऐसी ऐसी यहाँ की कॉलोनीज है, उस गलियों में से निकलते हुए जा रहे हैं अमृतसर की। ओह शाबाश, अरे भाई कैसे सांप सा बना रहा है तू, हैं? अच्छा गड्ढे को बचा रहा था। तो भाई कॉलोनिया तो चाहे अमृतसर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे दिल्ली की हो, गलियां एक जैसी मिलेंगी हर जगह आपको। वी आर गोइंग टू जलियांवाला बाग एंड विद अलोंग विद ऑल द फैमिली टीम। चलो भाई उतरो, आ जाओ। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग, वो सामने है जलियांवाला बाग। और यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि जलियांवाला बाग और गोल्डन टेंपल और म्यूजियम सारे तीनों की ऑलमोस्ट एक ही जगह है। तो आप यहाँ आइए तो तीनों जगह एक ही दिन में आप कवर कर सकते हो तीनों जगह। और फिर उसके एक अगले दिन आप बना सकते हो बाघा बॉर्डर जाने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें, तो आप अगले दिन ट्राई कर सकते हो। ये है मेन चौक और यहीं पर ही देखो सारी शॉप्स वगैरह हैं। और एक तरीके से यहाँ पे यहाँ का माल रोड है मैडम। मोहिनी गारमेंट्स, अपनी शॉप डिस्काउंट भी दिलवा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम पहुँच चुके हैं मोहिनी गारमेंट्स में और ये देखो सेम फुलकारी, ये सेम कहाँ गए, ये हमने सेम फुलकारी वाला दुपट्टा लिया था मैडम के लिए सूरज कुंड से, है ना। चले जी, थैंक यू, आपने इतना हमें भारी डिस्काउंट दिया। हाँ वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ये जो स्मारक बनी हुई है इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए हैं और उनके कुछ फेस यहाँ पे एक तरीके से क्लब किए हुए हैं, जो कहते हैं स्टैचू टाइप, तो वो बनाए हुए हैं। तो अभी हम अंदर चलने वाले हैं जो कि जलियांवाला बाग स्मारक है और यहीं से ही एंट्री है वो। अभी हमने एंट्री ले लिया और एंट्री करते यहाँ पे ये इस तरीके के यहाँ पे वो बने हुए हैं स्टैचू, बहुत बढ़िया। और ये देख सकते हैं आप कितनी पतली जगह है, तो आप इमेजिन करिए कि जब वो कांड हुआ होगा तो यहाँ पे ये वाला रास्ता बंद कर दिया था जनरल डायर ने, और उसके बाद अंदर जो भी हुआ था वो आपको सबको पता है।
तो यहाँ पे कुछ पंजाब को यहाँ पे शो किया हुआ है, प्राचीन कालीन पंजाब, जो कि पहले पंजाब किस तरीके का कल्चर था पंजाब में और किस तरीके के यहाँ पर आर्किटेक्चर होता था वो है। ये देखिए और ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर कि किस तरीके से पंजाब बना, तो उसके बारे में बताया गया सारा। तो वो एक स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गैलरी वन गैलरी टू है म्यूजियम की, तो अभी हमने गैलरी वन देख ली है, अभी जा रहे हैं गैलरी टू में। ये है गैलरी टू और इसके अंदर अब एंट्री करते हैं। ब्लैक सैंडी के बारे में तो सब जानते हैं, ये सारी उसकी डिटेल अभी हमने जो एंट्री करी थी वो जलियांवाला बाग में एंट्री करी थी, उसी के अंदर है म्यूजियम। और मेरे को सबसे अच्छी ये बात लगी यहाँ पर, हिस्ट्री पंजाब की जानने के लिए बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगी कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर नॉमिनल कुछ ना कुछ चार्ज रहते हैं, बट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट था। और इसी से ही पता चलता है कि पंजाब कितना दिलेर है। और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और निर्वासन के आदेश दिए। 10 अप्रैल को भी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी ने पूरे अमृतसर के जीवन को रोक सा दिया। गांधी जी जो कि पंजाब का राष्ट्रपति थे, पलवल में विरोध किए गए और उनके बंबई भेज कर हिरासत में लिए। आज जब ऐसी कारी बात नहीं देखी सी, 24 घंटे तक सभी बिना पानी अते बिना किसी सहारा दे रहे थे, ये प्रोजेक्टर पे मूवी चलाई हुई है जो कि जलियांवाला बाग के बारे में बताया हुआ है। सो गाइज, ये सारा कुछ जलियांवाला बाग के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। 13 अप्रैल की रात कैसी रही, क्या शो? हाँ, कुछ ऐसा मतलब ये जो इन्होंने बनाया है, मतलब एक तरीके से जलियांवाला बाग में जो म्यूजियम बनाया है, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ है ना, फील करा देता है उस रात को, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बनाया। प्रेजेंट ही इतना अच्छा लगता है। हाँ, तो यही है, तो हिस्ट्री सबको पता होनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी रही हो, बच्चों को लेके जरूर आए। हाँ, अच्छे से समझ आएगा, बच्चों के लिए बहुत नॉलेजेबल यहाँ पे चीजें मिलेंगी। धूप बहुत हो रही है, पहन लो इसको। क्या पहनता नहीं है ये? पहनो 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 पहनो। अबे भैया, ये तो कैसे भी नहीं पहनना यार, इनका तो इधर उधर भागना बंद नहीं होगा। हाँ भाई, अबे धूप से थोड़ा साइड हो जाओ बच्चों। अरे वाह, ये भाई पूरा एक पीस में ग्रेनाइट है और ग्रेनाइट के अंदर इन्होंने एक छोटा पीस और डाला हुआ है फाउंटेन निकलने के लिए। सारे स्टूडेंट देखकर ही पता चल जाते हैं क्या? हाँ बेटा, ये ग्रेनाइट है, ये बहुत शानदार लग रहा है। हाँ मेरा बेटा। हाँ मम, अभी म्यूजियम से फ्री हो गए थे, अभी हम जा रहे हैं कुएं की तरफ, जो कि यहाँ का मेन, जो जहाँ पे दर्दनाक मौतें हुई थी कुएं में गिर के, तो वो सारा कुछ दिखाएंगे आपको कैसे क्या है। उस टाइम में तो आपको पता ही कैसा था, बट अब वो कैसा है वो आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये है वो कुआं। अब तो इन्होंने इसको
अब इसमें इन्होंने क्या करा है कि ग्लास वगैरह लगा दिए हैं और थोड़ा ब्रिक वर्क को हाइट कर दिया जो कि ये ग्लास वगैरह लग जाए, तो अभी ग्लास से ही झाँक के आप देख सकते हो नीचे। तो गाइज यही वो कुआ है, बट अब यह कवर हो चुका है पूरा, तो आपको यहाँ से जैसे लोग बाग दिख रहे हैं तो ऐसे ही ग्लास की विंडो से झाँकते हुए, बट यहाँ पे कुछ आपको खास दिखेगा नहीं। जलियांवाला बाग का कांड हुआ था ना, तो लोग मतलब चारों तरफ गोलियां चलती थी, तो अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे, लेकिन जान तो खैर क्या ही बची होगी उनकी भी। बिल्कुल, अपने परिवार वालों को लेके इसमें कूद गए थे। तो बूढ़ा बच्चे जवान औरतें सारा भाई इसमें कूदे थे। कम से कम इसके जब कांड हो गया था उसके बाद 200 से ऊपर इसमें से लाशें निकाली गई थी कुएं से, सिर्फ कुएं से। तो देखो कि अब तक का इतिहास का सबसे दर्दनाक कांडों में से ये जलियांवाला बाग कांड गिना जाता है। अभी हम आपको है ना यहाँ पे गोलियों के निशान दिखाते हैं जो उस टाइम पे फायरिंग हुई थी, तो यहाँ पे ना ऐसे मार्क किए हुए हैं जहाँ यहाँ पे गोलियाँ लगी थी, तो ये ऐसे मार्क किए हुए हैं, इन पे गोलियों के निशान बने हुए हैं। ये देखिए होल बने हुए हैं भाई, इनका बच्चा खो गया है और ये भागे भागे फिर रहे हैं। तो भाई एक चीज़ का ध्यान, ये देखो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, मिल गई क्या? मिल गई। चलो भाई ध्यान रखो यार छोटे बच्चों का। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। वो बता रहे गार्ड साहब, बता रहे मिल जाएगी, जाओ। तो गाइस इस कांड का मैं बता देता हूँ, ये कांड जो हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और ये अंग्रेजों के यहाँ पे लोग बाग बैसाखी के त्यौहार के लिए इकट्ठे हुए थे। जब उस जनरल डायर थे जो उन्होंने ये कांड की जो साजिश थी वो रची थी, इसका छोटा सा गेट है तो उसको उन्होंने कवर कर दिया था, और जो इसके अंदर बंद थे उन पे सब पे अंधाधुंध गोलीबारी चली थी। जी क्या सीन है, अब चलते हैं यहाँ से। जलियांवाला बाग और म्यूजियम देख लिया है, और हमें भाई पूरी उनको दिल से नमन है जो यहाँ पे शहीद हुए थे। और जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, कहते हमारे कुछ रिलेटिव भी मिल गए हमें यहाँ। बिल्कुल, तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। गाइस हम सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे ज़रूर आओ अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और बच्चों को यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी मस्त है। तो अब बातें ना ज़्यादा करते हुए इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पे नए पुराने सारे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आगे, बाय।